तो जो स्वागत है आज का तकनीक संबंधी समाचार में, यानी कि वेलकम टू टेक न्यूज इन शॉर्ट। और आज के न्यूज के बारे में जानना है तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो पहले खबर की बात करते हैं सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग का गैलेक्सी जेड फोल्ड 3 जो कि नेक्स्ट ईयर आने वाला है, उसमें ऐसा बताया जाए उसमें आपको एस पेन का फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको नोट सीरीज में सैमसंग का देखने को मिल जाता है, वही पेन फीचर आपको इस फोन में भी देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करें गूगल के बारे में, तो गूगल असिस्टेंट में आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा जिसमें कि आप शेड्यूल कर सकते हैं लाइट कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा। अगर आपको पता नहीं तो जो स्मार्ट लाइट आते हैं उसको आप एलेक्सा के जो कंपेटेबल होते हैं एलेक्सा के थ्रू, और जो गूगल कंपेटेबल होते हैं उनको ओके गूगल के थ्रू आप कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं और बहुत कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये एक नया फीचर है कि उसके साथ आप उसको ऑन ऑफ कब होगा उसका टाइम भी आप शेड्यूल कर सकते हैं। अगली खबर की बात करते हैं वो भी गूगल के बारे में, तो गूगल का टेक्स्ट मेट जो है उसमें आपको बहुत सारे फीचर्स अब आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे, खास करके वहाँ पे आपको रिवार्ड देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर आपको पता हो तो गूगल पे जो है पहले जब लॉन्च हुआ था उस टाइम अभी भी रिवार्ड मिलता है, लेकिन उस टाइम आप स्कैन करने पे, आपको पेमेंट करने पे बहुत सारे रिवार्ड देखने को मिलता था। उसी तरह उसका जो ऐप है ये जॉब बेस्ड ऐप है, इसमें भी आपको अभी कुछ काम करने पे आपको बहुत सारे रिवार्ड देखने को मिल सकते हैं। अगली खबर की बात करें वन प्लस के बारे में, तो वन प्लस का वन प्लस 9 प्रो का रेंडर इमेजेस यहां पे लीक हो चुका है। फोटो आप देख सकते हैं किस तरह आपको देखने को मिल रहा है, और इस रेंडर से पता चला कि 6.7 इंच का यहां पे आपको FHD प्लस वाला डिस्प्ले मिलेगा, और जो कि कर्व वाला आपको देखने को मिल रहा है। जो प्रीवियसली आया था उसमें वन प्लस 9 के बारे में बताया गया था और उसमें फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिल रहा था, लेकिन ये जो वन प्लस 9 प्रो का रेंडर आया है इसमें पता चला कि यहां पे आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। अगली खबर की बात करते हैं लावा के बारे में, तो लावा के एक फोन आने वाला है जो कि गीकबेंच में लिस्टिंग हो गया, जिसका नाम है लावा जेन 93P। और ये इसमें आप देख सकते हैं कि 3GB का यहाँ पे आपको रैम देखने को मिलेगा, एंड्रॉइड 10 मिलेगा। और प्रोसेसर की बात करें तो एक अजीब तरह का नाम है ये आपको देखने को मिलेगा, यूनिसॉक वाला यहाँ पे आपको प्रोसेसर मिलेगा। पता नहीं ये कौन सी कंपनी है, अगर आप जानते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। अगली खबर की बात करें ओप्पो के बारे में, तो ओप्पो का रेनो 5 सीरीज गीकबेंच में लिस्टिंग हो चुका है। दो मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक PGM00 जिसका है, और दूसरा वाला जो नेम है वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं PDS T00। तो ये दो नंबर में रजिस्टर हुए, तो दो सीरीज फोन आने वाले हैं। दोनों में आपको पता चल रहा होगा कि 8GB का यहाँ पे आपको रैम देखने को मिलेगा, और बताया जा रहा है कि एक में डेमेंसिटी का 800 सीरीज का CPU देखने को मिल सकता है, यानी प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, और दूसरे में आपको वेलकम 765G वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। अगर अभी बात करें पोको के बारे में, तो पोको का आपको पता है पोको M3 आने वाला है जो कि कल लॉन्च होने वाला है, तो उसका डेट तो कन्फर्म हो गया था, लेकिन फोटो कुछ रेंडर आया था। अब ऑफिशियली फोटो के साथ यहाँ पे डेट कन्फर्म हो चुका है, तो कल ये लॉन्च होने वाला है। और फोटो आप देख सकते हैं जो M3 होगा पोको M3 किस तरह आपको देखने को मिल रहा है। अगली खबर की बात करते हैं Xiaomi के बारे में, तो Xiaomi का फेक प्रोडक्ट बहुत सारे यहाँ पे बेंगलुरु एंड चेन्नई के अंदर गवर्नमेंट ने सीज किया है, तो इस तरह का बहुत सारे प्रोडक्ट हो रहा है। पहले भी ये हुए थे और अभी भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे क्या करते हैं कंपनी Xiaomi का फेक कॉपी बना के बेचते हैं, तो वो जो कंपनी बेच रहे थे उनको यहाँ पे सीज किया, और प्राइस बता रहे 33.3 लाख के आसपास ये सब प्रोडक्ट का प्राइस हो रहा है। अब आखिर में बात करते हैं Redmi के बारे में, तो Redmi का Redmi Note 9 Pro 5G ये फोन बहुत जल्द चाइना में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये गीकबेंच में लिस्टिंग हो गया, इससे पता चला कि यहाँ पे आपको क्वालकॉम का 750G वाला चिपसेट देखने को मिलेगा, 120Hz वाला रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, और साथ से एमोलेड डिस्प्ले भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे आपको एंड्रॉइड 10 भी देखने को मिलेगा। और साथ से आप देखेंगे अगर इमेज को, तो यहाँ पता चला कि 8G वाला रैम वर्जन भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों आज का स्वीडियन शॉर्ट टेक न्यूज इन शॉर्ट। आई होप आपको पसंद आया होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, इस तरह वीडियो और देख रहा है तो चलिए समझना बहुत सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देखें टेक यूट्यूब चैनल, मैं मिलता हूं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।